आप लोग सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, कैसे वो लोग देखेंगे? देखिए, संस्कार सेना एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है और ये जिम्मेदारी तो हर मानव समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिन्होंने इस विचार को समझ लिया उन्होंने अपने आप फॉलो करते हुए अन्य लोगों तक भी उस विचार को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और माता पिता के सम्मान का विचार है, माता पिता के सम्मान की बात है, इसे करने के लिए हम लोग सब संघर्षरत हैं और प्रयास हमें बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है और सफलता भी मिल रही है। आजकल के बच्चे लोग जो है माता पिता को भटकने के लिए छोड़ देते हैं, देखिए जब बड़े हो जाते हैं ये बात नहीं होती तो संस्कार सेना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वास्तव में जो आप बोलना ये बात सत्य है, इस बात को ही हमें मिटाने के लिए संस्कार सेना बनाई है और उन बच्चों को हम इस बात से अवगत कराते हैं कि बेटा ठीक है, आज आप युवा हैं, आज आपके शरीर में ब्लेड है और माता पिता बुजुर्ग हैं, तो वह दिन दूर नहीं, प्रकृति का नियम है जो छोटे से बड़ा होना और बड़े से वृद्ध होना। आज आप युवा हैं, कल आप वृद्ध होंगे और जो कल्चर हमारा गिरता जा रहा है, हमारी जो सनातन संस्कृति खत्म होती जा रही है, उसमें आपके अंदर जितने संस्कार बचे हुए हैं आने वाली पीढ़ी में आपके बच्चों के पास उतने भी नहीं बचेंगे और जो दुर्दशा आज नहीं हो रही उससे ज़्यादा बदतर दुर्दशा आपकी होने वाली है। इसलिए माता पिता के लिए तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये माने कि आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक आप लोग निकाले हैं? देखिए, हमने इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल के द्वारा इस विचार को जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने राजभवन से हरी झंडी दिखाकर हमें रवाना किया। सबसे पहला हमने 14 मई मातृ दिवस से इसकी शुरुआत की और भोपाल से हम उज्जैन पहुँचे, उज्जैन से महू, महू से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत, सूरत से दमन, दमन से मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से होते हुए हैदराबाद, नागपुर, कन्याकुमारी, मदुरई और नागपुर से फिर वापस हम मध्य प्रदेश के मंडला पहुँचे और मंडला से फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुँचे, रायपुर से झारखंड रांची पहुँचे और रांची से पटना, और अभी पटना के बाद में हमारा सीतामढ़ी का कार्यक्रम है। पर इतना दिन में आप लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोग के पास गए, कुछ अनुभव आपको प्राप्त हुआ? अनुभव बहुत कुछ मिला और जहाँ भी हम गए मैंने आपको बता नहीं पाया, अभी बहुत गया हम गए थे।